हेलो बिचू या मैन पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं स्तविंदास फर्स्ट क्लास गाइस। तो गाइस हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइस हम लोगों के पबजी मोबाइल के अंदर जो S1 की रॉयल पास है उसके अंदर वीक 2 में यहाँ पे एक मिशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले गाइस सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूंगी कि आप लोग मुझे इस चैनल पे बहुत सपोर्ट करते हो। तो अगर आप लोग BGMI खेलना पसंद करते हो तो मेरे सेकेंड चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देखने को मिलेगा जो कि मेरी वेबसाइट का लिंक है। तो अगर आप लोग उसको चेकआउट करते हो तो मुझे और थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी और उसके ऊपर आर्टिकल भी है। अगर आप लोगों को आर्टिकल हेल्पफुल लगे तो उसको भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो गाइस यहाँ पे RP के अंदर आप लोग देखो मिशन में आपको यहाँ पे वीक 2 में एक मिशन देखने को मिलेगा, फ्रेंड बूस्ट एलिमिनेट 10 एनिमीज विथ असल्ट राइफल इन पोचिंग की इरंगल इन क्लासिक मोड। तो गाइस क्लासिक मोड में जो हमारा इरंगल मैप है उसमें पोचिंग के नाम के लोकेशन पे जाके आप लोगों को असल्ट राइफल से 10 एनिमी मारने है और इसके आप लोगों को 150 RP पॉइंट मिलने वाले हैं। बट इसके आगे आप लोग देखोगे तो लिखा है फ्रेंड बूस्ट, तो इसका मतलब यह है कि इस मिशन को आप लोग यहाँ पे सोलो में करोगे तो भी हो जाएगा, बट इस मिशन को अगर आप लोग डुओ या स्क्वाड में करते हो रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ तो आप लोग मिशन करोगे वो भी काउंट होगा, और आपका फ्रेंड अगर गेम में मिशन करेगा तो उसका मिशन भी आपके अंदर काउंट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में रैंक में आपको फर्स्ट नंबर पर इरंगल मैप देखने को मिलेगा तो उसको लगा के खेलो, या फिर अनरैंक वाला इरंगल भी आप लोग लगा के खेल सकते हो। इस मिशन को आप लोग सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग अनरैंक वाला इरंगल लगाना क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारे बोट भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अनरैंक में इरंगल लगा के अब गेम को यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को मैप में पोचिंग की लोकेशन दिखा दूँ, तो आप लोग देख सकते हो मैप में एकदम सेंटर में आप लोगों को पोचिंग की लोकेशन देखने को मिलेगा। तो इसी लोकेशन पर आप लोगों को नॉर्मली चले जाना है। अब गाइस अगर आप लोगों का प्लेन पाथ से दूर हो लोकेशन तो आप लोग यहाँ पे व्हीकल लेके भी जा सकते हो, लेकिन अगर प्लेन पाथ से पास आप लोगों का लोकेशन हो तो आप लोग डायरेक्टली भी लैंड कर सकते हो। बट गाइज अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लैंड करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे रियल बंदे ज़्यादा मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब पोचिंग की लोकेशन दूर हो तब भी आप लोग यहाँ पे व्हीकल लेके चले जाना। तो गाइज यहाँ पे एक बोट था जिसको मैंने AKM गन से मार दिया है, और ये जो AKM गन है वो हम लोगों की AR गन है। तो एक बार आप लोग यहाँ पे गन देख लो, उसी के साथ मैं आप लोगों को लोकेशन भी बताऊँ। तो गाइज आप लोग नॉर्मली देख सकते हो पोचिंग की में ही गाइज मैंने यहाँ पे बंदा मारा है, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहना क्योंकि और कौन सी AR गन आप लोगों को पबजी में मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप लोग देखो एक और बोट मुझे यहाँ पे मिला था, तो इसको मैंने M416 से मार दिया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि गाइज यहाँ पे अनरैंक में खेलोगे तो आपको ज़्यादातर बोट मिल जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे AKM और M416 नाम की AR गन से मैंने यहाँ पे 2 एनिमी मारे हैं। अब मैं आप लोगों को बाकी की AR गन भी यहाँ पे बताऊँ। तो गाइज़ इन्वेंट्री में आप लोग यहाँ पे गन के ऑप्शन में देखोगे तो आप लोगों को AR के अंदर फर्स्ट नंबर पे AKM देखने को मिल जाएगी, सेकेंड नंबर पे आपको M16A4 देखने को मिलेगी, उसके बाद स्कारल से भी आप लोग एनिमी मार सकते हो, नेक्स्ट M416 से भी मार सकते हो, उसके बाद ग्रोजा है और ऑग है वो आप लोगों को ड्रॉप में मिलेगी, उसके बाद QBZ मत ढूंढना क्योंकि इसको आपको इरंगल में नहीं मिलेगी, M762 से मार सकते हो, MQ47 से मार सकते हो, और लास्ट में हॉनी बेजर और फमास है। आप लोग सिर्फ G36C और QBZ को अवॉइड करना, उसके अलावा जितनी भी गन है वो सारी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी इरंगल मैप के अंदर, जिससे आप लोग पोचिंग गेम में जाके एनिमी मार सकते हो। आई होप आप लोग मिशन को अच्छे से समझ गए होगे। गाइस अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।